नमस्कार दोस्तों। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। मेरा कहने का मतलब, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ नए मुकाम पर पहुँचना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों आइए चलते शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक है व्हाई डज नाइक्रोम नॉट हैव ए शॉर्ट सर्किट। दोस्तों किसी भाई का कमेंट आया था कि जो हीटर होता है, जो हमारा डोमेस्टिक हीटर होता है, उसमें जो कॉयल लगा होता है, जो नाइक्रोम का वायर होता है, वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर हमने फेस और न्यूट्रल दे दिया, तो ये नाइक्रोम वायर यहाँ पर हमने फेस और न्यूट्रल दे दिया, तो ये शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता है? ठीक है, जैसा कि आज का जो टॉपिक है कि यहाँ शॉर्ट सर्किट कभी भी क्यों नहीं होता है, दोस्तों आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हीटर का जो वायर होता है नाइक्रोम का, वो शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता, इसके लिए आपको किरचॉफ का नियम समझना बहुत ज़रूरी है। किरचॉफ का नियम यह कहता है, किसी सर्किट के जंक्शन पॉइंटों के बीच आने तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। दोस्तों ये इसी पर मैं आपको समझा दूंगा कि ये शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि जो नाइक्रोम वायर होता है उसमें रेजिस्टेंस जो होता है उसका बहुत ज़्यादा होता है, वो रेजिस्टेंस उसमें बहुत ज़्यादा होता है, चाहे नाइक्रोम का वायर हो चाहे टंगस्टन का वायर हो, दोनों में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हीटिंग के लिए ही बने होते हैं। अगर वो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा तो उसका वायर टूट जाएगा या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब दोस्तों समझ, चलिए देखते हैं। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जहाँ पर जनरेशन होता है या फिर जनरेटर होता है, डीजी होता है, कुछ भी होता है, जहाँ पर जनरेशन भी होता है, वहाँ पर ओनली वोल्टेज ही पैदा होता है। ठीक है, वोल्टेज ही हम पैदा करते हैं, और जो करंट होता है ये ऑटोमेटिक इसमें हो जाता है। वो कैसे, सपोज मान लीजिए नाइक्रोम का वायर है, तो अब इस नाइक्रोम वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा अपना, तो जहाँ पर रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जब हम जनरेशन होता है 11 kV में, ठीक है, 11 kV में जनरेशन होता है, तो जब ये वायर के थ्रू या फिर वायर के थ्रू आएगा, ट्रांसमिशन होगा, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर में आएगा, तो उस वायर का, ट्रांसफार्मर का अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा। इसीलिए हमको जो जनरेशन पॉइंट होता है, जहाँ पर हमको कंजप्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पर हमको 10.5 या 10 kV का ही सप्लाई प्राप्त होता है हमको, क्योंकि इसके वायर में और ट्रांसफार्मर में जो भी जितने भी इसके थ्रू इक्विपमेंट जुड़े होंगे उनका खुद का रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि जब जनरेशन होता है तो वहाँ पर ओनली वोल्टेज जनरेशन होता है, ना कि करंट। करंट जब हम किसी उपकरण में देते हैं तो उस उपकरण में जो रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस वहाँ से करंट जनरेट होता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी किसी भी सर्किट में, ट्रांसफार्मर में, कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट जो होता है वो करंट की वजह से नहीं होता है। ठीक है, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि करंट की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, कभी भी करंट की वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। शॉर्ट सर्किट किसी भी सर्किट में तब होता है जब वहाँ पर फेस या फिर दो फेस आपस में भिड़ जाएँ, तभी शॉर्ट सर्किट होता है। यानी कि मान लीजिए अगर तीन फेस की है, आर वाई बी, तो अगर आर और वाई दोनों मिल जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, या फिर वाई और बी मिल जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो रहा, क्योंकि करंट की वजह से शॉर्ट सर्किट कभी नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर जनरेशन होता है वहाँ पर वोल्टेज ही जनरेट होता है, ना कि करंट होता है। करंट हमारे जो उपकरण लगे होते हैं उनमें जो रेजिस्टेंस होता है उनके थ्रू ये करंट जनरेट होता है। अब जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर करंट कम हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे फेस दिया, यहाँ पे न्यूट्रल दिया, तो किसी भी सर्किट को पूरा करने के लिए फेस और न्यूट्रल को दोनों की जरूरत पड़ती है। कोई भी सी, कोई पंखा हो, ट्यूबलाइट हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर फेस और न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों मान लीजिए जो ये हीटर का जो कॉयल होता है वो 1000 वाट का होता है, तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। अगर मैं यहीं पर कहूँ कि जो 9 वाट की एलईडी बल्ब होता है उसमें भी 220 से चलता है वो, तब भी उसमें शॉर्ट सर्किट कभी नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस लगा होता है। इसी रेजिस्टेंस के कारण शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जहाँ पर रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होना ही होना है। ठीक है, इसी रेजिस्टेंस की बदौलत वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जिससे
जो कॉइल में जो इसका रैंकोरूम का वायर है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। शुरुआत से ही जैसे ही हमने हीटर को ऑन किया, शुरुआत से ही या फिर हीटर बंद है तब भी इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और नाइक्रोम वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, नाइक्रोम वायर का। अगर मैं टंगस्टन की बात करूँ तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। आप देखिए दोस्तों, देख लीजिए कि लेकिन जो टंगस्टन का वायर है वो रोशनी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो नाइक्रोम का वायर होता है वो हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। कहीं भी ही अगर हीटिंग जरूरत पड़ेगी वहाँ पर नाइक्रोम का वायर यूज होगा, चाहे आपका हीटर हो, टोस्टर हो, गीजर हो, कुछ भी हो, वहाँ पर नाइक्रोम का वायर ही होगा। तो जब हमने फेज इन्वर्टर न्यूट्रल दिया तो इस सर्किट में, इस कॉइल में इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा। इस रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो यानी कि यहाँ फेज और न्यूट्रल, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये कॉइल है, यहाँ पे न्यूट्रल दिया, यहाँ पर फेज दिया, तो ये जो है रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो इस बदौलत अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी भी सर्किट के जंक्शन पॉइंट, ठीक है, जंक्शन पॉइंटों के बीच आने तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देके बताऊँ। सपोज मान लीजिए कि आपका 3 फेज का मोटर है, ठीक है, स्टार डेल्टा, स्टार हो या फिर डेल्टा हो। अब आपको डेल्टा में चलाने के लिए तो आप मान लीजिए कि ये आपका तीनों है, डेल्टा में चलाने के लिए आप इसे ऐसे शॉर्ट कर देंगे तो ये डेल्टा हो गया। अब अगर आपको ओनली स्टार में चलाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको शॉर्ट कर देंगे। दोस्तों आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर बना दिया मोटर के टर्मिनल, अब मुझे इसको चलाना है स्टार में, ठीक है, ये स्टार में हो गया। अब फेज और न्यूट्रल हमने यहाँ पर दे दिया, तो दोस्तों वही कंडीशन यहाँ पर भी लागू होता है कि यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा, क्योंकि जो इसके अंदर कॉइल हैं, कॉइल के बदौलत ये वापस तो यहीं पर आएगा फेस, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस कॉइल में जो वायर लगे हुए हैं कॉपर के, इनमें इसका खुद का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आते आते जो वोल्टेज होता है वो पूरा ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। और जहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने का चांस ही नहीं होता है, बिल्कुल नथिंग, ठीक है, इनफ। अब दोस्तों यही नियम यहाँ पर लागू होता है, अगर जहाँ पर रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जो नाइक्रोम का वायर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसी बदौलत यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो ये फेस लाइव वायर, हॉट वायर यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, तो सर्किट पूरा नहीं होगा। तो सर्किट पूरा नहीं होने की बदौलत यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का चांस नहीं होता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको जानकारी समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जो दबा दीजिएगा।